फोन इन फरमाइश प्रस्तुत करता है थानेन्द्र साहू। हम व्यस्त थे जब सफर में मिले, हम राह बनकर फिर साथ चले। जीने के अंदाज हैं जुदा जुदा, इस मोड़ पर हम फिर मिले। अब साथ है यादों का हुजूम, इसी कारवां को संग लेकर फिर चलें। फोन इन फरमाइश के सभी श्रोताओं को थानेन्द्र का नमस्कार। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर, मैं मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ। नमस्कार मुकेश जी, का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या करते हैं मुकेश जी? मैं टीचर हूँ और पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं ब्लाइंड हूँ, दृष्टि बाधित। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है और डीएड भी हो गया है जी। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? आपके यहाँ के मैं लगभग सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे युवाणी हो गया, चौपाल हो गया, कृषि चर्चा हो गया, वंदना हो गया। यानी आप हमारे नियमित श्रोता हैं जी। कितने वर्ष हो गए आपको आकाशवाणी रायपुर सुनते? मेरे को लगभग 17 नहीं, मेरे लगभग 29 साल हो गए सर। 1993 से मैं सुन रहा हूँ जी। मुकेश जी, ये साल 2022 का आखिरी कार्यक्रम है, बताइए इस साल आपने क्या संकल्प लिया था? मैंने इस बार यह संकल्प लिया था कि मैं, मेरे खुद का एक नया घर होगा जी, और मैं उस घर में जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊंगा। तो मैंने कोशिश तो अपनी ओर से की है, थोड़ी सी और बाकी है, तो सब बाद में 2023 में करूंगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ बोले बोले। आपके परिवार में कौन कौन है? अभी तो फिलहाल मैं हूँ और मेरी वाइफ गायत्री स्वर्णकार है जी, और मेरे एक ससुर जी है। तो नए साल में इस बार आपने कहाँ जाने का सोचा है? नए साल में मैं चंद्रपुर चंद्रहासिनी देवी मंदिर दर्शन करने जाऊंगा जी। मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? तो आज मुझे इस कार्यक्रम में आपके साथ फिल्म का नाम है और गाना है, आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म आपके साथ का ये गीत। वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। पहला
चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने। आज निगाहों से लेते हैं लोग जुबान का हाल तो देखो, उफ, ये उम्र ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। शायर आशिक और दीवाने, एक जगह पर जमा हुए हैं शहर के सब बदनाम। आपके नाम तो नए साल का पहला जाम। आपके फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कमल कांत मरावी लोरमी ग्राम से चेरी से बोल रहा हूं सर। आप तो हमारे काफी नियमित और पुराने श्रोता हैं। जी जी सर। क्या करते हैं कमल कांत जी? अब फिलहाल मैं तो अभी कृषि कार्य करता हूं सर। धान वान बिक गया है और ये गर्मी धान की तैयारी चल रहा है सर। जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मिसेज है परमिला मरावी, मेरा लड़की है वो बी कॉम फाइनल में है इस वर्ष, नेहा मरावी, और पुष्पराज मरावी है, और छोटा वाला लड़का ऋषभ मरावी। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? मैं तो आकाशवाणी रायपुर का सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर, और सभी में ईमेल पत्र भेजता हूँ सर। जी हाँ, कमल कांत जी, आपके गांव के आसपास कौन सा दर्शनीय स्थल है? मेरे गांव के आसपास खुड़िया बांध है सर, बहुत बढ़िया देखने लायक, और उसी बगल में माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में। जी हाँ, नवरात्रि में बहुत अच्छा मेला लगता है देखने लायक। हाँ, अभी बांध में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, उसी से हम पल्लो करते हैं। जी, और नहर किनारे बसा है हमारे ग्राम, और जी, पास में जंगल है देखने लायक। आपके गांव के आसपास जंगल है, तो इन दिनों तो काफी ठंड पड़ रही होगी। हाँ ठंड है सर, बांध का भी ठंड लगता है इधर। ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं आप? अब ठंड से बचने के लिए अब वही साल स्वेटर गर्मी कपड़ा का उपयोग करते हैं सर। जी, और सवेरे अब आग वाग थोड़ा बहुत ताप लेते हैं। हाँ, कमल कांत जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बताइए, आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? मेरे को आज फिल्म आंखें है, पुरानी वाला फिल्म,
गीत का बोल है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी वाला गीत सुना दीजिएगा सर। लीजिए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म आंखें का ये गीत। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी 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 लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी फरमाइश। नमस्कार भैया। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं दीपक साहू ग्राम रावचन से बोल रहा हूँ भैया। ये आपका गांव रावचन कहाँ पर है? ये भोरमदेव के आसपास है भैया, 5-6 किलोमीटर के अंदर। जी, कवर्धा जिला है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, भोरमदेव के आसपास आप रहते हैं? जी भैया। आसपास तो काफी जंगल है। बहुत जंगल है भैया, मस्त एकदम। तो कितनी ठंड पड़ रही है आपके तरफ? ठंड तो भी बहुत ज्यादा है भैया, एकदम ठंड बढ़ा है। तो सर्दी के इस मौसम को सेहत बनाने का मौसम भी कहते हैं, तो आप क्या करते हैं इस मौसम में? अभी तो काम कुछ ज्यादा खेती किसानी के काम करते हैं भैया हम। जी, और थोड़ा सा बाड़ी लगाए हैं। क्या लगाया है आपने बाड़ी में? टमाटर है, सेमी है, भांटा है, अरहर है। जी दीपक जी, आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? मैं चौपाल अधिकतर सुनता हूँ भैया, और छत्तीसगढ़ी फोनिंग फरमाइश, और ये फोनिंग फरमाइश से हिंदी वाला भी सुनता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है भैया, चौपाल में हर प्रकार किसान को सुविधा मिलते भैया उसके जानकारी के हिसाब से। अब हम मेरे मित्र है भैया लक्ष्मण श्रीवास, उसी के साथ बैठ कर हम चौपाल सुनते हैं भैया। तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को हम कौन सा गीत सुनवाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम साथ साथ है का गाना सुना दीजिए भैया, ये तो सच है कि भगवान है वाला सुनना है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म हम साथ साथ है का ये गीत। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये
तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म दाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। ओ, लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो सर, मैं उत्तम कुमार बघेल बोल रहा हूँ। सर, उत्तम कुमार बघेल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। क्या करते हैं उत्तम जी? मैं खेतबाड़ी का काम करता हूँ सर। क्या लगाया है अपने खेतों में आपने? अभी मैं चना लगाया हूँ सर जी। और आता है सुनने में जी। जी सर, खास तौर पर अपना जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है, युवाणी छत्तीसगढ़ी में आपका प्रसारण होता है, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद जी। जी, और अपना चौपाल में कार्यक्रम आता है कि किसानों का कार्यक्रम, हाँ उसको भी सुनता हूँ सर। उत्तम जी, नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है जी। सर बताइए, नए साल का स्वागत आप कैसे करेंगे? अब नया साल का स्वागत अपने दोस्त यारों को और
परिवारों को अपना कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे सर। जी जी सर। आज इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत कौन सा है? एक फिल्म है सर, गूंज उठी शहनाई। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म गूंज उठी शहनाई का ये गीत। तो फुर्सत के पलों में आपको क्या करना अच्छा लगता है? फुर्सत के पलों में सर अपने घर में फैमिली के साथ में रहना अच्छा लगता है। कहीं कोई अच्छी अच्छी जगह में घूमने जाने के लिए शौक लगता है और जाते भी हैं घूमने में, मंदिर जाते हैं जी भगवान के दर्शन करने को। तो इस बार नए साल में आप कहाँ जाने का सोच रहे हैं? अभी तो अब नया साल में कहाँ जाएंगे उसके बारे में तो अभी कुछ सोचे नहीं है सर, मगर नया साल में कहीं फिर घूमने के लिए जाएंगे मंदिर मंदिर भगवान का दर्शन करने, तो भगवान से कुछ मन्नत मांगेंगे। जी जी सर। बताइए केशव जी, आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जी सर, मेरे को सर फिल्म का नाम है सर धर्मात्मा और गीत के बोल है सर क्या खूब लकी हो बड़ी सुंदर दिखती हो। ये गीत आप जरा गुनगुना के सुनाइए। जी बिल्कुल सर। क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, ओ क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। जब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में सूरज होगा जब तक नील गगन में, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, ओ क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम ज्ञान हमारी हो। खुश हो
तुम पाकर मुझे पाकर अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो तुम प्यार से प्यारे हो तुम जान हमारी हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। मैं गांव खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के बात कर रहा हूँ सर जी। शाह जी का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। क्या करते हैं शाह जी? मैं तो खेती करता हूँ सर जी। आपने खेतों में क्या लगाया है? अभी इसी वक्त चना लगा हुआ है सर जी, गेहूँ लगा हुआ है और कपास है, तुअर है। तो ये जो अब बरसात के टाइम में सोयाबीन बोते हैं जी, हल्दी कपास, और ये जो अभी हिवाले का सीजन है तो अब चना गेहूं। जी जी जी। तो आप हमारा कार्यक्रम घर में सुनते हैं कि खेत में? अभी खेत में, मैं खेत में ही सिंचाई कर रहा हूँ तो मोबाइल पर सुनता हूँ जी। हाँ। कितनी ठंड पड़ रही है आपके तरफ? ठंड तो रात को थोड़ी महसूस हो रही है, फिर भी ज्यादा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है सर जी। जी कम है थोड़ी। जब आप खेतों पर होते हैं तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? तो वो शेगुटी बनाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं और बस उसका सहारा लेके रात निकालते हैं। जी जी जी। बहुत मेहनत वाली काम करते हैं आप। क्या करना पड़ता है सर जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ शाहजी, आपको कैसे गाने पसंद हैं? मेरे को वैसे तो सभी गाने पसंद है सर जी, अच्छे लगते हैं बहुत सुनने को। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? तो राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सुना दीजिएगा, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हाँ दोस्तों के नाम ले सकता हूँ? जरूर लीजिए। तो हमारे अपने छत्तीसगढ़ के ही एक तेजन सिंह मरावी जी है और रोशन लाल देवांगन जी है और सईद यूनुस जी, तीन दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ सर जी गीत। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। जी कर देखता रहूं क्या कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया।
पार से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। ओ कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, मैं जिधन लाल साहू बोल रहा हूँ, ग्राम लीलापुर लोरमी से। जिधन लाल साहू जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद सर। क्या करते हैं आप? सर मैं एक कृषक हूँ और साथ में लाइफ एडवाइजर भी हूँ मैं जी। जिधन जी आपके शौक क्या क्या हैं? शौक तो सर बहुत है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता जरूरी है। और सभी को सर उम्मीद होती है कि मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन इसके लिए हमको कड़ी मेहनत करना पड़ता सर इसके लिए। और जब मेहनत करेंगे तभी हमारे शौक पूरा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने जी सर। जी सर। तो साल 2022 विदा होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जी सर। जी सर बताइए इस साल आपने क्या खोया क्या पाया? सर खोने पाना तो एक पहलू आता जाता रहता है, लेकिन नया साल आने के लिए मैं कुछ ऐसा कुछ नया करने की भी सोच रहा हूँ जी, जो मेरे आगे भविष्य के लोग साकार हो इसके लिए जी। जी नए साल का स्वागत आप कैसे करेंगे? सब सर किसी मंदिर जाएंगे या फैमिली के साथ, तो अच्छे से अपने मन्नत मांगेंगे और जी मिलजुल कर नया साल का स्वागत करेंगे सर। जी जिधन लाल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आज इस कार्यक्रम में आपको हम कौन सा गीत सुनवाएं?
सर जिधर मेरा ये हीना फिल्म का गाना सर, मैं देर करता नहीं देर हो जाता वाला गाना सुना दीजिएगा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म हीना का ये गीत।
साल का उत्सव तो मनाए जरूर सर, पर शांति से मनाए, बिना नशा करके मनाए, आसपास दोस्तों के साथ मनाए, पर सर नशा करके मनाना तो उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जी सर। तो नए साल में इस बार आपने कहाँ जाने का सोचा है? सर अभी तो कहीं सोचे नहीं है सर, बस आसपास यही नजदीक में ही है सर, एक पर्यटन स्थल है वहीं पे जाने के सोचे हैं सर। जी जी, हमारे प्लांट के पास से ही है, यहाँ 10-12 किलोमीटर में, वहाँ जाते रहते हैं, तो वहीं पर जाके दोस्तों के साथ ही एंजॉय करने का प्रोग्राम बना है सर। किशोर जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? सर नगीना पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए, आज का और कुछ याद रहता नहीं वाला गाना। लीजिए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म नगीना का ये गीत। कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। दिल लगाने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। फसाने सुने इश्क के मैंने कितने, फसाने सुने हुस्न के कितने किस्से पुराने सुने, ऐसा लगता है फिर इस तरह टूट कर प्यार हमने किया एक जमाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अब आज के फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से अपने दोस्त थानेन्द्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।